बीएसपी एंसिलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा भिलाई निवास में एंसिलरी डे का भव्य आयोजन संपन्न किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीएसपी के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दास गुप्ता उपस्थित हुए। विशेष अतिथि के रूप में बीएसपी के सभी ईडी शामिल हुए। एक दशक बाद बीएसपी एंसिलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन दास गुप्ता के नेतृत्व में भिलाई निवास में एंसिलरी डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बीएसपी के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दास गुप्ता सहित अन्य अतिथियों का स्वागत एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन दास गुप्ता एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया गया। डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दास गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि एंसिलरी एसोसिएशन हमारा काफ़ी सहयोग करता है। कोरोना काल में एंसिलरी ने बीएसपी के काम को प्रभावित नहीं होने दिया। कॉन्फिडेंस आया कि ये स्पेस भी आप बना सकते हैं और मेरे ख्याल से ये जो सूची है ये और लंबी हो सकती है। इसमें और भी दूसरे स्पेयर शामिल हो सकते हैं और इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अभी भी हम बहुत सारे स्पेयर्स इटली से मंगाते हैं, जर्मनी से मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं और दूसरे बड़े देशों से मंगाते हैं। तो पहले तो ये भारत प्रश्न बनना है, उसके बाद इस स्टील प्लांट के 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर बनना है और इससे आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो हम भी चाहते हैं कि ये सारे स्पेस का डेवलपमेंट रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ही हो जाए और उसके लिए जो मॉडर्नाइजेशन आप लोगों को करना है शायद उसमें आप लोग काफी प्रयास लगा भी रहे कि लेटेस्ट मशीनिंग फैसिलिटी, हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटी इत्यादि। तो चैलेंज था मैं रिवर्स इंजीनियरिंग में मैं देख रहा था कि उसमें शायद डायग्नोस्टिक भी बना लिया जाएगा, मेटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी निकाल सकते हैं एनओसी और जो हीट ट्रीटमेंट है उसमें शायद आज कुछ काम करना पड़ेगा कि उसी में बहुत कुछ प्रॉपर्टी जो है वो फाइनल प्रॉपर्टीज मिलता है। तो इसमें हम लोग मिलकर काम करेंगे और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो एक हमारे लोगों को थोड़ी सी शिकायत रहती है आप लोगों से कि समय पर मिल नहीं पाते, जो डीपी है उसको अलग करना है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ करीब 11 करोड़ का डीपी पार हो चुका है इस तरीके से, जबकि एंसिलरी का जो बिजनेस है वो 2017-18 में करीब 48 करोड़ का था और ये 21-22 में बढ़ के करीब 87 करोड़ का हो चुका है, आगे और बढ़ेगा मुझे पूरा विश्वास है। और बिना स्टील प्लांट में नहीं, क्यों आप लोगों की पहुंच हमारे बाकी स्टील प्लांटों में भी है और वहां पर भी आपका जो शेयर है और बढ़ना चाहिए उनके नाम में बोकारो में, दुर्गापुर में, बनपुर में और पब्लिक सेक्टर से बाकी जगह भी यहाँ पर भी बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्री आए हैं। हम चाहते हैं कि आप उनको भी सामान दें कि जितना आप सामान उधर देंगे उतना ही आपकी जो कुशलता है और आपकी जो टर्नओवर है और आपकी जो एबिलिटी है उसमें बढ़ोतरी होगी और उससे भिलाई स्टील प्लांट को भी फायदा होगा। और एक बड़ी हर्ष की बात है, मैं पता लगा रहा था कि आप लोगों में से कितने लोग जिम में रजिस्टर्ड है, तो पता चला कि सब लोग करीब करीब सब एंसिलरी इंडस्ट्री जिम में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो इसलिए आप लोगों और दासगुप्ता जी को, रतन जी को और आपको पूरे एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें धीरे धीरे जिम में हमारा बिजनेस को बढ़ाना है और हमारे जो दूसरे स्टील प्लांट्स है पब्लिक सेक्टर के वो भी जिम से ही करेंगे। बीएसपी एंसिलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन दास गुप्ता ने कहा कि एंसिलरी डे मनाने की परंपरा बंद हो चुकी थी, लेकिन बीएसपी मैनेजमेंट के सहयोग से एक बार फिर से यह नई परंपरा शुरू की गई है। पिछले 10 वर्षों के बाद एंसिलरी डे हम लोगों ने बहुत भव्य रूप से मनाया, जिसमें इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिलाई स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज श्री अनिर्बान दास गुप्ता साहब एवं ईडी वर्क्स अंजनी कुमार, ईडी एमएम एके भट्टा, ईडी माइंस तपन सूत्रधार, ईडी फाइनेंस एके पंडा, ईडी प्रोजेक्ट एस मुखोपाध्याय, सारे ईडी भी 6 ईडी इस कार्यक्रम में शामिल हुए एवं तमाम सीजीएम जीएम सारे अधिकारी भारी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाए। भिलाई स्टील प्लांट से 43 वर्षों से पुराना भिलाई स्टील प्लांट से एंसिलरी का रिश्ता रहा है। 43 वर्षों में भिलाई स्टील प्लांट के साथ साथ एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी काफ़ी ग्रोथ की है और इस हम एक आपस में एंसिलरी डे इसलिए मनाए कि एक बार आपस में बिजनेस से
हमेशा हम लोग प्लांट के अंदर मिट्टी का काम मैंने व्यापारिक दृष्टिकोण से अलग एक पर्सनल उसमें हम लोग एसोसिएशन के साथ में बीएसपी के साथ एसोसिएशन ने गेट टुगेदर किया और एक अच्छा एंसिलरी और मैनेजमेंट के बीच में एक रिश्ते को और कैसे मजबूत किया जाए, कैसे हम बीएसपी के जो ज़रूरत है स्पेयर्स की उसको कैसे पूरा करें और हमारी क्या ज़रूरत है बीएसपी उसको अपने एंसिलरी इंडस्ट्रीज को कैसे और आगे बढ़ाए, कैसे और ज़्यादा काम मिल सके, ये भी। और डायरेक्टर इंचार्ज साहब ने बहुत अच्छा उस दिन उन्होंने कहा, अपना मैसेज दिया कि एंसिलरी के बिना हम अधूरे हैं, एंसिलरी के बिना भिलाई स्टील प्लांट अधूरा है, ये डायरेक्टर साहब ने मैसेज दिया। एवं उन्होंने एक चीज़ और कहा कि आज भिलाई स्टील प्लांट जो कुछ भी है इसमें बहुत बड़ा अदा आप लोगों ने भी निभाई है, उसके लिए मैं बीएसपी मैनेजमेंट को डायरेक्टर इंचार्ज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस टाइप के एंसिलरी का उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होके खुद एवं पूरी टीम को बीएसपी बधाई देता हूँ। बहरहाल इस अवसर पर एंसिलरी एसोसिएशन के महासचिव श्याम अग्रवाल, उपाध्यक्ष शशि भूषण बी एन अग्रवाल, प्रीतपाल सिंह, अशोक जैन सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।